कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पंकज गुप्ता जो कि सदर विधायक हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला है 17 तारीख को। अब उस पोस्ट में उन्होंने जो शो किया है, उन्होंने हमारा सिंबल 5वें नंबर पे शो कर दिया है और सिंबल हमारा 7वें नंबर पे है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। लोगों के कॉल आए मेरे पास, बहुत सारे लोगों के, और उन्होंने बोला कि भैया आपका तो सिंबल 5वें नंबर पे है और आपने बताया था 7वें नंबर पे है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक और आर्थिक दोनों तरीके से मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी। अब मानसिक परेशानी इस तरीके से, अब मुझे लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है नहीं नहीं मेरा सिंबल 7वें पे ही है, 5वें पे नहीं है। अब इससे मेरा इलेक्शन से थोड़ा फोकस भी देखिए हट गया, क्योंकि बार बार लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भैया आपने तो ऐसा बताया था ऐसा है, तो बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, खाली यही मामला नहीं है, गुमराह और भी तरीके से किया गया है, जिसका मेरे पास कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। जब वो आप समझ जाइए अपने फेसबुक पोर्टल पे वो गलत सिंबल दे सकते हैं, तो और भी तरीक़ों से गुमराह कर सकते हैं, और पंकज गुप्ता जी को ख़तरा महसूस हो रहा है, इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ें करना चालू कर दी हैं। उन पर ये चीज़ें शोभा नहीं देती, वो एक मौजूदा विधायक हैं और उन्हें अपना ये तरीका बदलना होगा। मैंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की है और चुनाव आयोग ने इसका उन्हें नोटिस भी जारी किया है, और उसके साथ साथ मैंने थाना दही में भी इनकी कंप्लेन करी है, ऑनलाइन भी की है मैंने, उनको अनऑफिशियली मैंने एक कॉपी भी दी है। आप किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? मैं आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूं सदर विधानसभा से। वो किस पार्टी से हैं? वो बीजेपी से हैं और मौजूदा विधायक हैं वो।